राही तनी बिटिया अगले लगे फोन लाओ तो बड़ा दिन होएगा तनी हाल चाल ले ली तो। हेलो हाँ बिटिया। ठीक भाई बिटिया हाल चाल अपन बताओ का हाल चाल बा और वहाँ सबके का हाल चाल बा। सबे ठीक बा हमारा हाल चाल ठीक बा और सबका ठीक बा अपन सुनाओ का हाल चाल बा माइक सुनाओ। और बिटिया सब ठीक ठाक बा कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं बा ना। हाँ हाँ पापा सब ठीक ठाक बा कोनो दिक्कत परेशानी नहीं बा टेंशन ना लेओ तू। और पापा खाना वाना खाया हो? हाँ बिटिया हाँ खाना वाना खाएन दमाद बाबू ठीक बाटे सास वास्ते हर सब ठीक ठाक ही। हाँ पापा सब यहाँ रहो सब घर भर ठीक ठाक है कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ करत हो पापा? कुछ नहीं बिटिया बस ऐसा आए रहन खेतवा में टहरे घूमे तुम के लाओ बतू आई तनी भर बिटिया से बड़ी दिन होई गई याद आवत रहा तोहरो। अच्छा अच्छा ठीक की हो पापा। हाँ ठीक ठाक है सबका ठीक है पापा। अरे मोटकी का करते हैं यहाँ रे कैसे बतुआ आते हैं? अरे अम्मा हमारे पापा हुआ और कैसे बतुआ आई तो है बप्पस बतुआ आते ही मटका भैंसिया बड़ी बप्पस बतुआए वाली भाई है 2 लाख रुपया बाकी अभी दिन नहीं है आज तक इतना दिन हो बस कहते रहे दई दिया अब अभी तक उनके नहीं जुड़ा आटा की दई दी। अरे अम्मा तू तो कुल जनता रही बप्पा का हमारे जितना औकात रहा उतना तो दिए भाई कीन है कुल जगह जमीन बेच कर तब दीन है हमारे शादी ब्याह की न कहाँ से दी है तो कुछ नहीं जानी तो वानी था जानी की नहीं हमारे 2 लाख रुपया बाकी है ओका हमें दिए तो दिए चाहे जगह बेचे चाहे जमीन चाहे कहाँ से लायक दिए। अरे अम्मा तनी समझा करो कहाँ से लायक दी है इतना गरीब है खाए जी लिए उतना बहुत है तो कहाँ से 2 लाख रुपया लायक दी है गरीब हुए चाहे अमीर हुए हमें ऐसे कुल से मतलब कुछ नहीं है जानू की नहीं हमें रुपया चाहिए तो चाहिए और हम नहीं जानी कुछ। अगर तुम्हार बाप 2 लाख रुपया दे दी है तब तो तू हमारे घरे रहो और नहीं दी है तो जाओ अपने दादा लगे तुम रहो समझी की नहीं। अरे सासू अम्मा समझा करो बात का इतना गरीब हमारे बप्पा बाटे तो 2 लाख रुपया कहाँ से लायक दी है मैं चाहिए तो चाहिए 2 लाख रुपया और हम नहीं जाए ज्यादा भाषण ना दियो जाने की नहीं 5 लाख पावत रहे और तोहरे खिया कल है ठगाए गए लुटाए गए एकदम हम। अरे अम्मा जाने की नहीं हमारे शादी में ही हमारे बाप जो जल जमीन रहा खेत रहा कुल गिरोही दे दिन जो बेच दिन जो दे पाई तो दिन अब ना कुछ दे पाई है जाने की नहीं इतना अमीर नहीं बाटे हमारे बाप वह बतिया हमसे 20 दाई ना कहा करो जाने की नहीं हमें अभी पैसा की जरूरत है तो हमें पैसा चाहिए तो चाहिए जाने की नहीं। कहा भाई बिटिया बात ये बोला तो बात है। अरे पापा अम्मा बोला तो बाटी। कहा भाई बिटिया कहा बोला तो ही कुछ कहा तो ही कहा तुमसे। हेलो हाँ हम कही तो है की हमारे 2 लाख रुपया कब दिए वो। अरे समधन जी नमस्ते 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 कही तो है हमारे 2 लाख रुपया कब दिए वो कह रहा दे 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 वही तेरे जुड़ आटा बनाई की ना। अरे समधीन आप सबको तो पता ही बाटे है कि हम कितना गरीब बाटे और जो हमारे आवश्यकता रहा हमारे पौसात रहा हम तो दही दिए बाटे बीएच बिकिन दिए अपन खेत बारी सब कुछ आप सबको तो पता ही बाय कि हमारे 2 लाख रुपया दिए भरे का औकात ना ही बाटे तो हम कहाँ से दे दिए आप सबका 2 लाख रुपया आप ही बतावा जाए। कुछ नहीं जानी कहे जाने की नहीं हमें 2 लाख रुपया दे दिए तो तेरे बिटिया का रखा नहीं अपने बिटिया लेके जाओ अपने घरे का जाने लियो लेके जाओ अपने बिटिया टिटिया कहीं हमें नहीं जरूरत बाय ऐसे पतो है का। अरे अम्मा हम कहाँ जाबे कहाँ जाब हम कहाँ मना कहे कहाँ जाओ जहन्नुम में चले जाओ हमें 2 लाख रुपए से मतलब बाय जब तुम्हारे बाप दे दी है तब रखा बनाई नहीं रखा हम। अरे समझीन हमारे जवन रहा तो हम दिहन आपका आप कहाँ से लायक 2 लाख रुपया दी हम कहाँ से जियरा कहे जहाँ से मना कहे कहाँ से लायक दियो चाहे धरती चीर के दियो चाहे आसमान से लायक दियो हमें 2 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए और हम नहीं जाने की का बताई दी थे ये हो रे अम्मा की ये हुआ है फोन अब बतवा आता बात है। अरे भैया तुम्हारे बुढ़ऊ हुए और क्या हुए लियो कान खोली कहे 2 लाख रुपया अगर हमें ना दिया ना तो तोहरे बिटिया की जवन सजा करब की जिंदगी भर सोचबो तो नहीं वराई ये का जाने रहे हो हमारे घरे आज संझा तक 2 लाख रुपया पहुँच जाये का कान खोल के सुन ली हो। अरे दमाद जी आप ऐसे कहे बोलत हो आप तो बेटवा जैसन हो आपको तो नहीं बोले चाहिए ऐसन सब चीज तो दिहन है दमाद जी और काउ चाहिए जितना हमारे औकात रहा हम अपने औकात भर सब कुछ दिए हन। अरे दमाद जी जब आप ऐसा बोलत हो तो हमारे बिटिया के घर वाले कितना सजा दिया तो है बाप रहम खा हमारे बिटियों को पर हमारे जितना औकात रहा उतना हम दे दी हन बाबू हम कुछ नहीं जानी है जाने की नहीं 2 लाख रुपया संध्या तक घर पहुँचाई दियो ज्यादा नाटक ड्रामा नौटंकी ना करो समझे की नहीं बात समझ में आ की नहीं 2 लाख रुपया हमें चाहिए तो चाहिए ज्यादा नौटंकी ना करो अगर कोनो जरूरत नहीं बाय। अरे भैया हमारे जो कुछ रहा सब कुछ तो तुम्हें दे दी हन काहे हमारे बिटियों के इतना परेशान करते बाटे हो। अच्छा ठीक है भैया जब आप लोग ना ही मनबो तो कहूँ कोशिश करब जितना बन पड़ी उतना लायक दिया हम लेकिन हमारे बिटिया को परेशान ना कि हो आप लोग सुन ले माई कान खुआली का जब तक इनका बाप 2 लाख रुपया ना ही लायक दे दी है तब तक इन्हें घर में हलई ना दी खाना पानी कपड़ा लगता कौनो भी चीज से इनसे मतलब ना रहे नहीं बहरे ना रहे खैया का बताई दी है सही कहा था ये ना हले ना दिया जाई घर में ना जाने कहां स्कूल अच्छी ना बैठी रही आए कहां मेरे बेटा करम फार दीस करम आप सबका नहीं पता भाई कि हमारे पापा इतना गरीब बाटिन कहां से लायक 2 लाख रुपया दी है जितना उनके औकात रहा उतना सब दीन आप सबका हर दुआर जर जमीन सब बेच दीन वो कहां से लायक दिए ई मुंह बनाए के ना खड़ी हो जानियो कि नहीं पैसा चाहिए पैसा ई मुंह बनाए काम ना चली। हां दादा इतना सुंदर दुल्हन पावत रहे 7 लाख रुपया नगद पावत रहे कैश कैश अब यही के चक्कर में चल के मटकी भैंसिया के वो भी लाई गवा
लेकिन अब तब यहाँ करब करब अपने बेटवा का जो ना दिहिन ना तो जहाँ 10-20 लाख दहेज मिली वही ब्याह करब अपने बेटवा का भरोसे इनके भरोसे ना रहबे कुछ ना ये ना बाप दिहिन काउ दिहिन ही गर्मी इतना होता है ना फ्रिज दिहिन ना एसी दिहिन ना कूलर दिहिन ना पंखा दिहिन भाई कूड़ा का वाला दो चार ठू बर्तन दे दिन वाटर स्टील पिस्टील का धरे धरे फट जाए चिटक जाए वो अब कुछ ना दिन और देखा कहा था जवन हो सका तो उन तो दिहन कमन चीन ला दी कुछ तो ना दिन तार बाप ना जानी कहाँ से आई गई हमारे घर में एकर गुआड़ परी गई जहाँ परी रहती तहाँ परी नहीं रहती सड़ी मछली घर नहाती तब नीक रहा अरे थोड़ी ना सोचने रहा कि ये गया गुजरा हुई है तुअर बाप की इतना नाई दे पाई है भैया बहनी कुछ ना भवा बाट है बस जनता है चीज गहना दान दहेज का लड़ाई चला करता है औकात ना ही रहा तब का कर पहले वादा कर ली ना पहले से नहीं बताई पावत रहीन हमरे सबका मन रहा तो शादी करा जा तो ना मन रहा तो ना करा जा सबे तो सोचा गया कि एक ठू बिटिया ही जवन मांगा जाए तवन पावा जाए सब कुछ दे दी बुढ़ावा लेकिन ये सुनाई तोहरे बाप के रहा आगे लाग रहा जरी गए रहा 10 साल नहीं 20 साल बीत जाई बेटा तब ना एकर बाप दी 4-6 साल हो गया शादी के लेकिन वही वही नाम नहीं ली सी एको टोक की हाथ दिए का है ते एकर बापा भिखारी भिख मंगा है भिख मंगा में पैसा दे भले कोनो काम ना करे लेकिन एका धक्का मार के लात मार के घर से बाहर निकालो बेटा कान खोल के सुने ले मोटकी भैंसी अपने बाप से बोले थे कि पैसा लेके आवे तब भाई तुम्हारे घर में यहाँ ठिकाना है नहीं तो घर में ठिकाना ना ही है का जाने रहे हमार बाप इतना गरीब बाटे कौन मुंह लगाई जाए अपने बाप के लगे कि बप्पा हमारे ससुराल वाले 2 लाख रुपया मांगते हैं कहाँ से दी है हमारे बप्पा व्यवस्था में कहाँ गई है हमारे बप्पा मजदूरी मेहनत करे कि 2 लाख रुपया जुहा ली है भगवान जी का बिटिया दियो तो तेरे घरे धन दियो और नहीं तो बिटिया ना दियो भगवान ये कहत रहा बिटिया कि फूक दिया मरी जाबू की ये कहत रहा ठीक है बिटिया तू परेशान ना हो चिंता ना करो हम कहूँ ना कहूँ जुगाड़ कह के दिए तू परेशान ना हो बिटिया हम रखित बाटे का काका काहर वत बाटे कैसे बतवात रहे हो रे भैया का बताई बिटिया वक फोन रहा हमारे ससुरिया वाले बड़ा तंग करत है बाबू बड़ा परेशान करता है फिर से 2 लाख रुपए दहेज का डिमांड कर दिन है बच्चा कुल घर द्वार जर जमीन बेच दिए रहन ब्याह की है न फिर से 2 लाख रुपया मांगता है कहाँ से दी हम देखा तो यह पुरान धुरान घर द्वार छपरा खपड़क बचा है यही हम अपन कोनो मेल से गुजर बसर करी तो है कहाँ से लायक 2 लाख रुपया दी हम अने भैया कहाँ से हम इनके सब डिमांड पूर करबे अब ही 2 मांगत है मान लियो कोनो मेल से 2 हम दे दी तो फिर आगे इनके सबका लालच बढ़ते ही जाये दहेज के लालची आदमी के कबो दहेज पूरा नहीं होता है लेकिन काका बहनी सदिया करे तो 2 साल हो ही गया अब दहेज मांगता है सारे 2-2 साल बीत जाता है मने तब दहेज का डिमांड करता है कौन मियर मनाई है अब काव कहे काका बिटिया का फाट के करम बिल्कुल वह घर में शादी कर ही लायक नहीं रहा एकदम लालची स्वार्थी सब पलवा रहा लागत है कैसे रहत हुई बिटिया कैसे खात जियत हुई वह घर में आ करी भैया हमारी बिटिया तो जनता रहे कितना सीधी साधी रही काम बूत भी ठीक ठाक करत रही लेकिन अब का करी हमारी बिटिया तो बड़े परेशानी में फंसी गई ही काका शांत रहा चुप हुआ समझदारी से काम लियो जाने रुओ वो काम नहीं है यह जो रुओ चाहे पुरानिया हो तभी तबियत खराब हो जाये तो हो एक ठू रही ससुरे भेड़िया हो भेड़िया दहेज का लालची है सुन के सबका खाली जेल में चक्की पिसावे के बाकी है और कुछ नहीं का करी भैया कुछ समझ में नहीं आवता है बिटिया हमारी इतना परेशानी महिया ही अब का बताई तुझसे।